आपको प्रसिद्ध करने के लिए ज्यादा कौन सा कार्य होना चाहिए? चार सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। सेवा बहुत करते हैं, सभी करते हैं, कोई करुणा, कोई वाचा, लेकिन सबसे तीखी सेवा कौन सी है? हैं? तीखी सेवा कौन सी है? मनसा सेवा। अभी 70 साल हो गए, कितनी भाग दौड़ की और कितनी वाचा चलाई और दुनिया में भगवान की प्रत्यक्षता कितनी हुई? सत्तर साल में 70% तो प्रत्यक्षता होनी चाहिए थी, प्रत्यक्षता तो कुछ भी नहीं हुई खास। इसका मतलब कि सारी सेवा मनसा के वाइब्रेशन से होगी। मन पावरफुल होगा, बुद्धि पावरफुल होगी, तो कॉन्सेंट्रेशन जितना जितना बढ़ता जाएगा, हम वायुमंडल को कंट्रोल करते जाएंगे। मनुष्य ही वायुमंडल को कंट्रोल कर सकता है, जानवरों में तो इतना मन होता ही नहीं है, बुद्धि होती ही नहीं है, वो वायुमंडल को कंट्रोल नहीं कर सकते। मनुष्य कंट्रोल करता है तो और दुनिया के जितने भी पशु पक्षी प्राणी आदि हैं, वो वाइब्रेशन से स्वतः ही कंट्रोल हो जाते हैं। मनुष्य आत्मा योग युक्त बनती है तो सब जीव जंतु उस प्रभाव में आ जाते हैं। तो सारी दुनिया का परिवर्तन बुद्धि योग से होगा। मनुष्य ही है जो मन बुद्धि वाला प्राणी है, और दूसरे प्राणियों में इतनी मन बुद्धि नहीं होती है। मनुष्य कहा ही जाता है मन होने के आधार पर। ये मन की एकाग्रता ही बाप आकर सिखाते हैं, तन की एकाग्रता सिखाते हैं या धन की एकाग्रता सिखाते हैं? तन इकट्ठा करना नहीं सिखाते, बहुत बड़े पहलवान बन जाए। इसके लिए तो बोला है तन भल कैसा भी हो, आत्मा पावरफुल होनी चाहिए। और धन कितना भी हो, कहते हैं जिनके पास 10 रुपया है वो 1 रुपया सेवा में लगाते हैं, और जिनके पास 10 करोड़ है वो 1 करोड़ ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं, लेकिन वो अहंकार पूर्वक लगाते हैं। 1 करोड़ लगा देंगे तो दुनिया भर की तड़ी झाड़ेंगे, और जो 10 रुपया जिसके पास है उसमें से 1 रुपया लगा देगा तो उसको कोई अहंकार दान करने का होगा नहीं, तो ज्यादा सतो प्रधान किसका बनेगा? और गरीब का ज्यादा भागी बन जाएगा। तो बताया कि धनवान बनना नहीं सिखाते, तन की एकाग्रता नहीं सिखाते, भगवान आते हैं तो क्या यह एकाग्र करना सिखाते हैं? मन बुद्धि को एकाग्र करना सिखाते हैं। तो चाहे ईश्वरीय सेवा करने जाएं, चाहे ज्ञान सुने और सुनाएं, मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, हेम ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, कुछ भी करें मन को घड़ी घड़ी चेकिंग करें, मन कहाँ लगा हुआ है,
एक जगह एकाग्र है, मन अगर एकाग्र है तो अंत में मनसा से जो सेवा होगी वो बाप को बहुत प्रत्यक्ष करेगी। इसलिए बोला भी है कि अंत में प्रत्यक्षता होगी तुम्हारी अव्यक्त स्टेज से। तुम्हारा जो अव्यक्त चेहरा है वो अव्यक्त चेहरा ही बाप को प्रत्यक्ष करेगा। और स्मृति लब्ध दुनिया से बुद्धि हटेगी तो लगेगी कहाँ? बाप में स्मृति लग जाएगी, स्मृति आ जाएगी, पक्की हो जाएगी स्मृति। या यूं कहें कि जितनी जितनी बाप की याद पक्की होती जाएगी दुनिया से बुद्धि योग टूटता जाएगा। और सूर्य 6 महीने उत्तरायण होता है और 6 महीने दक्षिणायन होता है। पृथ्वी का ज्यादा हिस्सा जहाँ जनरेशन रहती है वो उत्तरायण में है या दक्षिणायन में है? दुनिया की जो आबादी है वो ज्यादातर कहाँ है? उत्तर में। तो ब्रह्मा बाबे भी कहाँ आएंगे? उत्तरायण जब सूर्य होता है तो ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। कहते हैं भीष्म पितामह को जब बाण शैया पर सोना पड़ा तो दक्षिणायन था सूर्य। क्या? सूर्य दक्षिण में चमक रहा था, माने दक्षिण में रोशनी थी, उत्तर में अंधेरा था। तो उनकी क्या प्रतिज्ञा थी? जब सूर्य उत्तरायण होगा सारी सृष्टि का जब कल्याण सोना शुरू होगा तब हम शरीर छोड़ेंगे। और वही कैटेगरी दिखाए, उसमें से 9 लाख प्रजा है और उनमें से जो चुने हुए हैं वो 16,108 राज परिवार के लोग हैं। टोटल मिला करके 9,16,108 आबादी नई दुनिया की होती है। एक्यूरेट सत्यु को जब तैयार होता है तो आबादी कितनी होती है? 9,16,108। उनसे भी बच्चे होंगे ना तो उनका डबल हो जाएगी, जैसे 4,500 प्लस 16,108 ऐसा नहीं होगा ना, वो 4,500 अंदर आएंगे। 9,00,000 है प्रजा, 16,108 है राज परिवार की आत्मा। और जन्म लेंगे वो 16,000 प्रवेश है,
उनके शरीर तो है नहीं, गिने जाएंगे सर। और आत्मा कभी भी पांच तत्वों का कंट्रोल नहीं है, आत्मा हाँ पांच तत्वों का शरीर में उसको कंट्रोल में रहना क्या, कंट्रोल में पांच तत्वों का शरीर में रहना क्यों हमेशा जरूरी है। पांच तत्वों से बना हुआ जो शरीर है हाँ कंट्रोल में रहना क्या, शरीर का कंट्रोल में नहीं। बाबा ने तो बोला है जब तुम बच्चे ब्रह्मा की तरह दूसरों के शरीर में प्रवेश करके भी पार्ट बजा लेंगे तो उस समय आत्मा शरीर के कंट्रोल में होगी या कंट्रोल शरीर के ऊपर फुल कंट्रोल होगा, जब चाहे शरीर छोड़े और जब चाहे सब शरीर धारण करे। संपन्न जो आत्मा होगी जिसका देह में कोई लगाव नहीं होगा तो जब चाहे तब शरीर धारण करे और जब चाहे तब शरीर छोड़ दे। नहीं तो ये एटम बम बनाने वाले कितने साल हो गए, 70 साल हो गए, इनमें इतनी ताकत है कि जो अपनी चीज घातक निर्माण किया है उसका बिना उसका उपयोग कर सके। 70 साल में भी इनमें ताकत नहीं आ रही है कुछ चीज का उपयोग कर सके, डरते हैं अंदर से तो कौन उपयोग कराएगा। इस पावरफुल आत्माएं उनमें प्रवेश करेंगी और धार धार दुनिया का विनाश हो जाएगा। और पांच तत्वों में जाना नहीं, पांच तत्वों से परे हो जाना भी है, ये लक्ष्य रखना है। जो पांच तत्वों से परे हो जाने वाली आत्माएं नहीं, वो नीच किस्म की आत्माएं हैं। हाँ सती त्रेता में जो बाद में जन्म लेते हैं वो थोड़े ही पांच तत्वों के ऊपर पूरा विजय पाते। वो यहाँ जो रहेंगे दुनिया का विनाश होगा फिर भी उनके शरीर सुरक्षित रहेंगे तो उन्होंने पांच तत्वों के ऊपर विजय पा ली ना। दूसरा कोई रास्ते नहीं आत्मा को, जो पांच तत्व हैं उस पांच तत्व की दुनिया में भगवान को भी आना पड़ता है तो आत्मा परे कैसे हो जाएगी। भगवान को भी पांच तत्वों का होना चाहिए, पांच तत्वों का भगवान नहीं होता है, भगवान सदैव पांच तत्वों से परे है लेकिन आत्माएं पांच तत्वों के बंधन में आती भी हैं और जो उनमें से श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो पांच तत्वों के बंधन से परे भी हो जाती है। सब आत्माएं पांच तत्वों के बंधन से परे नहीं हो पाती। शरीर के द्वारा ही ट्रांसफर होने वाले होंगे या दूसरे की पार्टी में भी कोई होंगे जिन्हें जो भी मणके हैं जिनको भक्ति मार्ग में मणकों के रूप में मूर्तियों के रूप में पूजा होती है वो यादगार कहाँ की है, संगम युग की यादगार है ना। तो यहाँ प्रैक्टिकल में हुए होंगे तब वहाँ यादगार बनेगी कि यहाँ थे ही नहीं तब वहाँ यादगार बनेगी। यहाँ प्रैक्टिकल में होने चाहिए नहीं तो नंबर कैसे गिने जाएंगे। जो प्रवेश होने वाली आत्मा है उनके नंबर पता चलेंगे, आंखों से देखने में आती है, पकड़ में आती है नहीं। एक एक शरीरधारी में कितनी सोल प्रवेश की हुई है पता चलेगा नहीं, शरीरधारी का पता चलेगा
और वो स्नेह के सूत्र में, ज्ञान के सूत्र में बंधे हुए मन के होते हैं। चाहे 16,000 की माला हो, चाहे 9 लाख हार हो, चाहे 108 हो, चाहे 8 हो, किसने के सूत्र में और ज्ञान के सूत्र में बंधे हुए होने चाहिए। तो बाबा ने बोला था कि फिल्टर जो है वो सत्य के जो 8 जन्म है उनमें दो दो करके 16 होंगे, ऐसे बोला होगा। सत्य के जो 8 जन्म है वो तो शरीर से जन्म लेंगे, वो जो शरीर से जन्म लेंगे वो उस माला में होंगे। जो माला भारतवर्ष में गाई जाती है, पूजी जाती है, ये अपने अपने धर्म की माला में होंगी, क्योंकि अपने अपने धर्मों की भी तो माला होती है। अच्छा, वो बात छोड़ दो। सत्युग में जो भी नारायण होते हैं, दो दो के पैर वाले लक्ष्मी नारायण, उनकी मूर्तियां भारत में बनती हैं? उनके मंदिर बनते हैं? उनकी कोई भी यादगार है? नहीं, वो तो अधूरे हैं। कुछ 84 जन्म लेने वाले देवताएं नहीं हैं। और त्रेता के अंत तक प्रिंस बनते रहेंगे, प्रिंस में हम माना जो प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे त्रेता के अंत तक, वो आत्माएं जो हैं वो यहाँ भी ऊंच पद पाने वाली प्रत्यक्ष हो जाएंगी। तो वो बिल्कुल तो वहाँ की राजा रानी जो 8 जन्म में बनते वो नहीं होंगे, जो 8 जन्म में राजा रानी बनते हैं वो तो प्रवेश, वो प्रवेश होने वाली आत्माएं है ना, वो बिल्कुल काउंट नहीं होते। कैसे काउंट होंगे, उनका शरीर ही नहीं होता, यहाँ शरीर छोड़ जाते हैं। वहाँ के त्रेता की बात नहीं है, यहाँ की शूटिंग पीरियड की बात है। वहाँ कोई गिनती नहीं होती, कोई हिस्ट्री नहीं होती उसकी। हिस्ट्री सारी कहाँ की बताइए बाप ने, संगम की हिस्ट्री बताइए। सत्य त्रेता की कोई हिस्ट्री नहीं, राम कोई त्रेता में होता है उसकी कोई हिस्ट्री नहीं। तो क्लास ही खत्म हो जाएगा। दो हजार सात के लिए क्लेरिफिकेशन दिया है, 2000 में सत्य विलीन हो जाएगा। सात का महत्व तो सात नारायण से कनेक्टेड है। दुनिया में जो भी धर्म खंड हैं, महाद्वीप हैं, वो कितने हैं? सात महाद्वीप भी है। नई दिल्ली 10 साल में बनाई है अंग्रेजों ने, पत्थर इकट्ठे कर करके, लाल पत्थरों से बनी है। क्या पत्थर भी संगमरमर के नहीं है? कैसे हैं? लाल पत्थर। लाल रंग किस बात का सूचक होता है? क्रांति का सूचक होता है। दिल्ली के अंदर जितना खून बहा है हिस्ट्री में, इतना और कोई शहर के अंदर खून खराबा
नहीं हुआ। उससे पहले चैतन्य प्रकृति तमो प्रधान हो जाएगी। चैतन्य प्रकृति तमो प्रधान होना माना महाकाली का पार्ट, जगदम्बा जब जगदम्बा के रूप में पूजी जाती है तो सात्विक पार्ट है, जब महाकाली के रूप में उसका रूप आता है तो तामसी चंडिका देवी का पार्ट है। 2036 तक जगदम्बा है वो कौन से वंश से कनेक्टेड है, नई दुनिया में कौन सा वंश होगा? सूर्यवंशी ही होंगे, कोई भी चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंशी आदि नहीं होंगे। और बाप ने पाप बढ़ाने का रहम करने आए और एक मुझे उसका मतलब ये है कि बच्चे जो हैं इतना पाप नहीं कर पाते हैं, बच्चे तो छोटे होते हैं, बच्चों में ज्यादा ताकत होती है या बाप में ज्यादा ताकत होती है, हैं? बाप ज्यादा ताकतवर है, जो ज्यादा ताकतवर है वो ज्यादा काम करेगा। तो कौन से बाप की बात है, देहद के दो बाप हैं, एक है आत्माओं का बाप और एक है मनुष्य शक्ति का बाप, तो पाप कौन करेगा? आत्माओं का बाप तो पाप करने वाला है नहीं, तो कौन करता है? जो राम बनता है वो ही अंत में रावण भी बनता है, ये काम लास्ट में और कोई नहीं कर पाएगा। सारी दुनिया का जब विनाश होगा तो दुनिया की ज्यादातर आत्माएं रोएंगी या खुश होंगी? जिन्होंने स्टेज पकड़ ही ली होगी वो तो खुश रहेंगे, और जिन्होंने स्टेज नहीं पकड़ पाई वो सब दुखी हो जाएंगे। हाँ, और इस्लामी जो होते हैं वो यूनिटी के कारण, उनके उन्हें पवित्रता होने के कारण उन्हें यूनिटी होता है, क्योंकि नहीं नहीं सूर्यवंशी जो राजाएं हैं वो विदेशियों को फॉलो किया, और विदेशियों को फॉलो करने में और विचार में सीमाएं तोड़ देते हैं, क्योंकि वो कृष्ण को फॉलो करते हैं, बुद्धि में है ना शास्त्रों की बात। कृष्ण को 16,000 रानियां थी, तो हम 100, 200, 400, 500 नहीं रख सकते, तो इस तरह पतन हुआ। लेकिन मुसलमानों में या इस्लामियों में नियम है ज्यादा से ज्यादा कितनी शादियां करनी है, हैं? 4 शादियां कर सकते हैं, तो ज्यादा पतित कौन हुए? सूर्यवंशी हैं वो ज्यादा पतित हुए। सूर्यवंशी जो हैं वो ज्यादा बड़े के बच्चे हैं या और धर्म वाले ज्यादा बड़े के बच्चे हैं, हैं? बड़े की औलाद कौन है? एक राजा की औलाद होती है,
और एक गरीब आदमी की औलाद होती है। दोनों औलादें जब बड़ी हो जाएं, तो ज्यादा पाप कौन करेगा? राजा का बच्चा पावरफुल ज्यादा है, इसलिए वो पाप ज्यादा कर सकता है। तो ऐसे ही है, हम हैं दुनिया के ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे। तो कलयुग का अंत होता है तो हम ही ज्यादा पावरफुल होते हैं दुनिया के बीच में। तो हम ज्यादा पाप भी करते हैं, हम ज्यादा पुण्य भी करते हैं। सुख में भी ऊंचे जाते हैं और दुख में भी हम बहुत गहरे जाते हैं। गड्ढे में जाने वालों में भी हम सबसे जाते हैं और पहाड़ की ऊंची चोटी पर चलने वाले में भी हम सबसे जाते हैं। इसलिए बोला है, स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? स्वर्ग की दुनिया के भी सरताज और नरक की दुनिया के भी इतना ज्ञान दे रहा ना बच्चों को भी पाप से पाप कर देगा, क्योंकि बाप पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने आए हैं। बल मुरली में बोल देते हैं शंकर को फॉलो नहीं करना है, फिर भी बच्चे फॉलो किसको करते हैं? तो शंकर को भी फॉलो करते हैं। तो समर्थ है उसमें, तो मुकर्रर रूप से प्रवेश है, वो तो सेफ हो जाएगा। और हम अगर फॉलो करेंगे तो क्या हाल होगा? Thank you.
तीनों मूर्तियां एक साथ काम करती हैं या नंबरवार काम करती हैं? तो नंबरवार प्रत्यक्ष होंगी, एक साथ कैसे प्रत्यक्ष हो जाएंगी? और कराची में जो संगठन तैयार हुआ ना, उस संगठन में उस संगठन के ब्रह्म बाबा को सरस्वती को सेवा के लिए भेजा गया और कहा वो उसी तरह अभी तो रूप में जो संगठन बनाया जा रहा है उसमें से भी बाबा सेवा के लिए भेजेंगे सर। तीन कार्य हैं, स्थापना, विनाश और पालन। तीनों कार्यकर्ता अलग, तो तीनों के फॉलोअर्स भी अलग अलग। बल जो स्थापना करते हैं वो ही फिर पालना करते हैं। तो फील्ड में तो नंबर बार निकलना पड़े, नहीं तो प्रत्यक्षता कैसे होगी? गुह्यर और उससे भी गुह्यर आज समझाता हूँ। गुह्यर आज बेसिक में समझाया, जो दुनिया वालों की बुद्धि में नहीं था हमारी बुद्धि में भी नहीं था। फिर गुह्य का भी गुह्य एडवांस में समझाया, फिर बताया गुह्यात गुह्य कर्म, और ही और गुह्य होता जाता है। जितने जितने जिसकी बुद्धि सूक्ष्म बनती जाती है उतना ज्ञान की गहराइयों में उतर सकता है। और उन्होंने सारा शक्ति अपना एडवांस पार्टी में लगाया है। उनके कल में गए ही कहाँ? नहीं गए हैं, क्योंकि उनका सारा शक्ति एडवांस पार्टी में लगाया गया। हाँ जी, जैसे कि बाप ने पैगंबर को मदद करने के लिए एक से चौथी तक अपनी ताकत कर रहे, तो उसी तरह बाप दादा ने इनको कनेक्ट कर दिया, इनको ऊपर उठाने के लिए सारा ताकत एडवांस पार्टी में लगा। संगठन बना ना, उससे पहले तो एडवांस पार्टी का संगठन था ही नहीं, ना के बराबर। जो था 76-77 में दिल्ली में तैयार हुआ वो भी सब खलास हो गया। तो सारी ताकत लगा दी तो दक्षिण भारत से आत्माएं निकल पड़ी, नहीं तो कैसे निकलती? देखना है तो 500 करोड़ में देखो, देखना है तो 16,000 में देखो या 108 में, उसके भी छोटी रूप में देखना है तो 8 में देखो, उसके भी 16 रूप में देखना है तो 8 में देखो, और उसी से भी और ज्यादा देखना है तो 12 में देखो। अगर दुनिया देखनी है तो एक के अंदर दुनिया होती है या दो के अंदर दुनिया होती है? दुनिया जो है सृष्टि जो है वो एक से बनती है या कम से कम दो से बनती है? तो एक बाप है,
वो तो सचखंड ही बना रहेगा, फिर झूठखंड कहाँ बनेगा। तो दो बीज चाहिए कम से कम, और दोनों ही बीज चाहिए। ऐसे नहीं कि एक रुद्रमाला से हो और एक विजय माला से हो, नहीं, एक रुद्रमाला में सूर्यवंशी हो तो दूसरा रुद्रमाला में चंद्रवंशी हो, जो सब वंशों से प्रभावित होने वाला हो, तब दुनिया बनेगी। नहीं तो गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज वन कहा जाता है। और आज में सारी दुनिया का बीज समाया हुआ है, और दो में भी सारी दुनिया का बीज समाया हुआ है, लेकिन वो आठ में नहीं है दोनों, एक आठ के अंदर है तो एक आठ के बाहर है। अगर वो भी आठ के अंदर आ जाए तो 83 जन्मों तक पतन ही नहीं होगा। क्योंकि आठ हैं बाप के साथ साथ रहने वाले, और आठ हैं बाप को पहचानने वाले, जिससे दुनिया बनती है, जिस दूसरे से दुनिया बनती है, वो भी अगर पहचानने वाला आठ के समान हो जाए तो बाप को ये कहने की दरकार ही नहीं, मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं पहचान सकते। ज्यादा जन्म मेरे साथ रहने वाले कौन है? ज्यादा से ज्यादा जन्म मेरे साथ रहने वाले कौन है? आठ हैं। तो वो आठ ये पतित दुनिया बनाने वालों की लिस्ट में नहीं है। इसलिए एक कहते हैं आसमान ऊंचे से ऊंचे, और दूसरे को कहते हैं धरणी नीचे है। वेदों की भाषा में उनको नाम दिया है द्यावा पृथ्वी, ये हमारे माता पिता हैं जिनसे दुनियादारी बनती है। और हाथ में नहीं बसी हुई है सारी दुनिया, दुनिया बनती नहीं है हाथ से। आज तो बाप के सच्चे सच्चे फॉलोअर हैं, असल सूर्यवंशी हैं। और विजय माला का हेड कहेंगे, हाँ विजय माला का बीज भी नहीं कहेंगे, पहला बीज तो नहीं कहेंगे, वो तो दूसरे नंबर का बीज है। रुद्रमाला जो तैयार होती है उसमें पहला मणका और लास्ट मणका दोनों ही बाप के नजदीक हैं। दूसरा नरक मणका थोड़ा दूर हो जाएगा या नजदीक होगा? माला है ऊपर के दो मणके बाप के सबसे जास्ती नजदीक है, निराकार बाप के, और बाद वाले उतना नजदीक नहीं हो सकते, जरूर कोई शिफ्ट होगी।
जो चित्त औरों में नहीं है। सब बच्चों के सामने गुप्त है क्या? अगर सब बच्चों के सामने गुप्त होगा तो माँ का टाइटल कैसे मिल जाएगा, परदादी का टाइटल कैसे मिल जाएगा? कुछ मानने वाले होंगे ना कि हाँ ये हमारी माँ है। सूर्यवंशी ही पहचानेंगे या दूरवंश दूसरे वंश वाले मान लेंगे? दूसरे वंश वाले इस बात को लेकर लड़ाई लड़ेंगे या मान लेंगे? लड़ाई लड़ने लग पड़ेंगे। बाप कहता है तो मानेंगे ना? बाप भले कहता है लेकिन कोई का किसी के साथ लगाओ, कोई का किसी मणके के साथ लगाओ, तो जिसका जिसके साथ लगाव होगा तो वो लगाव की बात पहले मानेगा या बाप की बात पहले मानेगा? जो जिसका फॉलोअर होगा वो उसी की बात मानेगा, जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा, बाप की भी नहीं मानेगा। प्रैक्टिकल शूटिंग हो रही है अभी। अपने अंदर कितना धैर्य है, अपने अंदर कितना धर्म की पालना करने का मापदा है, हमारा कौन मित्र है? जिगरी 100% मित्र कौन है और 99% मित्र कौन है? और हमारी जन्म जन्मांतर की नारी कौन है? स्त्री के रूप में संबंध निभाने वाली कौन है? धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपत्ति काल परसियेचारी। जब आपत्ति आती है, आपदा आती है, दुख आता है, तब ही इनको परखा जाता है। धोबी धोबी कपड़े धोने का काम कर रहा था लेकिन ये जो जरूरी थोड़ी है, जो कपड़े धोए जा रहे थे वो धोबी को पूरा पहचानते थे? अगर पूरा पहचानते होते तो जी जान लड़ा देते। झगड़ा तो यज्ञ के आदमी भी हुआ ना, किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ? अरे दुनिया में जो भी झगड़े होते हैं ब्राह्मणों की दुनिया में खास, वो किस बात को लेकर के होते हैं? अरे क्राइस्ट के जीवन में भी झगड़ा हुआ तो मूल बात क्या थी? पवित्रता की मूल बात थी। पवित्रता की बात को पूरा समझा नहीं, इसी का सारा रोल है। और धर्मों की जो आत्माएं होती है न पवित्र बनती है और न पवित्रता की गहराई को समझती है। और उन्हें बार बार संशय आता रहता है, ज्ञान पर संशय आता है, बाप के पार्ट पर संशय आता है,
ड्रामा में संशय आता है, दैवी परिवार में संशय आता है। और बाप कोई पटक था, अभी सफाई हो गई क्या? अभी तो बाप गुप्त है। जब गुप्त से प्रत्यक्ष हो जाएगा तो सफाया हो जाएगा। सिर्फ ब्राह्मणों की दुनिया में क्या, सारी दुनिया से सफाया हो जाएगा। है प्रकृति विकराल रूप धारण करेगी और प्रकृति पति अटल हो जाएगा तो संपन्न हो जाएगा या अधूरा रहेगा? है संपन्न हो जाएगा। जब प्रकृति पति संपन्न हो जाता है तब ही प्रकृति का हमला होता है। विकराल रूप धारण करती है प्रकृति। प्रकृति पति की सहयोगी है या विरोधी है? है क्या है? सहयोगी है। प्रकृति कहो, संघार कारिणी शक्ति कहो, महाकाली कहो, बात तो एक ही है। ठीक है, सभी की मनोकामनाएं पूरी करती है, नहीं बोला कि 500 करोड़ की मनोकामनाएं पूरी करती है। सब मनोकामनाएं पूरी करती है और लक्ष्मी से सिर्फ धन ही मांगते हैं, धन की मनोकामना की पूर्ति होती है। तो कौन सा काम अच्छा है? है क्या करना चाहिए? है सब मनोकामनाओं में अच्छी मनोकामनाएं भी हैं और बुरी मनोकामनाएं भी। मनोकामना वाले अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। तो दोनों कार्य करने वालों में श्रेष्ठ कौन है? एक है जो ईश्वर से मिलता है, वो ही देता है, अपना कुछ नहीं देता। अपने पास है क्या? सखपन है या कोई श्रेष्ठता है? क्या है? सखपन। हमको भरपूर करने वाला बाप आया हुआ है और वो ज्ञान ही देता है और कुछ लेके नहीं आता है। और कुछ लेकर के आता है क्या? तो जो ज्ञान से भरपूर हो जाते हैं वो जन्म जन्मांतर के लिए सुखाला जीवन प्राप्त करते हैं। कम से कम 21 जन्म के लिए सुखी जीवन बन जाता है और सब प्रकार की मनोकामनाएं तो 84 जन्मों में भी पूरी होती रहती है। उनमें अच्छी मनोकामनाएं भी हैं, बुरी मनोकामनाएं भी हैं। ये अच्छी बात है क्या? है? अरे नहा नना है? है? और बाबा एक दिन में कहा है गंगा को भी दौड़ करके काशी नगरी में जाना पड़ता है।
जो श्रेष्ठ होता है वो भ्रष्ट के पास जाता है या भ्रष्ट श्रेष्ठ के पास जाता है? है? जो पतित है वो पावन के पास जाता है, पवित्रता आकर्षित करती है। गंगा जब तक काशी में जाकर न मिले तब तक ज्ञान तलवार का रूप धारण नहीं करती है। काशी में पहुंचती है तो गंगा का ये रूप हो जाता है। चैतन्य से मिलने की बात है या जड़ काशी नगरी की बात है? चैतन्य से मिलने की बात है। और गंगा ने तारीफ किया, उसको बिठाया है। गंगा ने तारीफ किया है, उसको तारीफ बिठाया, पर काशी नगरी तो क्या ही है, वो तो आठ में लिया गया। मैंने तारीफ किया है बाबा, आठ काशी नगरी। जो सभी सेबुल बच्चे होते हैं वो प्यारे लगते हैं, या जो सर्विस उतनी नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, वो प्यारे लगते हैं? बाप प्यार में आकर कौन से बच्चों को सर पे चढ़ाते हैं? प्यारे बच्चों को, जो सर्विसेबल बच्चे होते हैं, बाप का काम करते हैं, उनको सर पे चढ़ाते हैं। जो काम गंगा ने किया वो काशी नगरी ने नहीं किया, इसलिए जरूर काशी नगरी में सहन शक्ति ज्यादा होगी तो वो बैलेंस में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? जो त्रिशूल है उस त्रिशूल में भी जो सबसे तीखा शूल दिखाया गया उस नख पर बात करती है। और कोई ब्रह्मा कुमारी की इतनी ताकत नहीं है जो ऐसे बैलेंस में रह करके जीवन बिता सके। परंतु वो बैलेंस को सब कोई देख नहीं पाते हैं। बैलेंस में टिके रहना ये सबके बस की बात नहीं है। बात खड़े होते हैं, हमसे नहीं होता इतना सहन। इसलिए विजयमाला की जो हेड है सहन शक्ति का आगार है, सहन शक्ति में मुखिया है, उसका भी बीज है। माला रूपी संगठन बनाने में संगठन बनता ही है प्योरिटी से। कोई संगठन गुप्त में बनता है, फाउंडेशन काल में बनता है, और कोई संगठन ऐसा होता है जो संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है। किले का फाउंडेशन जमीन के अंदर बनता है या ऊपर देखने में आता है? अंडरग्राउंड होता है। इसलिए बोला है तुम बच्चे हो अंडरग्राउंड मिलिट्री। अननोन बट वेरी वेल नोन वॉरियर। तुमको कोई नहीं जानता, जैसे वो अंडरग्राउंड मिलिट्री होती है। कहाँ है, कहाँ प्रैक्टिस कर रही है, कहाँ अंडरग्राउंड में छिपी पड़ी है, कोई को पता नहीं। और बाबा एक बात आपने कहा है, गंगा में इतना बड़ा जल का एक पत्ता है, इतनी बड़ी जल का एक पत्ता है, गंगा बड़ी धार का एक पत्ता है। पत्ते तो सभी है, कृष्ण पहला पत्ता नहीं है क्या?
तो फिर हमको बीजों को प्रत्यक्ष करना है या पत्ते को प्रत्यक्ष? हम नहीं प्रत्यक्ष करते, बीजों को बाप प्रत्यक्ष करता है। बीज में अति सूक्ष्म है, पत्ते तो स्थूल होते हैं। बीजों का भी जो बीज रूप है वो बीज रूप बाप ही बच्चों को प्रत्यक्ष करता है। और पार लगाने वाले को पार्वती कहते हैं, माने ज्ञान धन पार्वती है। गंगा को तर्पित किया, तर्पित करना तर्पित लगाया गया और पार्वती को मोक्ष दिलाया। ज्यादा बैलेंस में कहाँ रहना पड़ता है, सर के ऊपर या गोद में? तो गोद में रहना ज्यादा सुखदाई है या सर के ऊपर चढ़ करके बैठना ज्यादा सुखदाई है? बच्चे कहाँ रहते हैं? गोद में रहते। गोद में रहकर के जो पुरुषार्थ करेगा उसका ज्यादा सहज पुरुषार्थ जीवन होगा, या सरकार बैठे बैठे पुरुषार्थ करेगा वो ज्यादा सहज पुरुषार्थ जीवन होगा। तो 84 जन्मों में सहज भी हो और सुखमयी जिंदगी भी हो, सुख में काम की तो सहाई हुई होती है, तो और क्या चाहिए? बाप से डायरेक्ट पढ़ाई नहीं करी। अच्छा, तो देखते रहे कि पीछे पीछे गंगा जी, गंगा जी ने तो बोला है काम समझने के लिए, जो आ गई होगा वो अंत में भी होगा। आज में अगर नजदीक नहीं रही होगी तो अंत में नजदीक कैसे आ जाएगी? आज की बात कोई को पता नहीं, उड़ जाने उनकी गोद लिया। और भक्ति के चित्र में धर्मा को गोरा दिखा देना, भक्ति के चित्रों में भक्ति भक्ति के लिए धर्मा को गोरा दिखा दें और शंकर और विष्णु और कृष्ण को काला दिखा दें। धर्मा की दाढ़ी सफेद है, तन भूरा है और जिस तन में प्रवेश करते हैं वो भी राजा ही छाट बात का है कि कोई गरीब है? कैसे छाट बात का है? राजाओं जैसी पर्सनालिटी होती है, वो राज था लंबा चौड़ा, तो जैसा ज्ञान मार्ग में है वैसा ही दिखाई देता है। बोलो 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 कौन करेगा? बाप करता है। बाप कर्ता धरता है क्या करता है? साकार की बात कर रहे हैं। तो साकार अकेला कुछ कर लेता है या बच्चों के साथ करता है? बाप कुछ अकेला करता है क्या? है ये परिवार को साथ लेकर ही चलता है। आज की दुनिया के बाप होते हैं कोई धंधा धोरी करेंगे तो अकेले करेंगे, घरवाले बच्चों को घरवाली को पता भी नहीं चलता। और ये बाप तो पक्का गृहस्थी है। बाप तो कहते हैं मैं बच्चे की सिवाय खुद अपने को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, बच्चे भी साथ में चाहिए।
ब्रह्मा के तन में आते थे तो कहते थे किसकी गोद में आए हो। अगर बच्चे कहते थे ब्रह्मा बाबा की गोद में आए हैं तो कहते फिर जिनकी बुद्धि में रहता था हम शिव बाबा की गोद में आए हैं, तो शिव बाबा की अपनी गोद तो होती नहीं है, तो कोई तन का लोन लेते हैं या उसमें प्रवेश करते हैं तो वो तन किसका हो गया, किसका समझे, शिव बाबा का समझे। और बाप जितना जिम्मेदारी उठाता है उतनी जिम्मेदारी भाई उठा सकता है, क्यों नहीं उठा सकते। कहते हैं बच्चा सवाया होता है, मान मर्तबा बच्चे का ज्यादा हो जाता है या बाप का ज्यादा होता है। भक्ति मार्ग में मान मर्तबा कृष्ण बच्चे का ज्यादा हुआ है या बाप का ज्यादा हुआ है, कृष्ण बच्चे का ज्यादा हो गया, ये तो बात झूठी हो गई। बाप आते ही हैं बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, तो पूछा होगा कुछ, कुछ पूछा होगा ना। जो पूछते हैं उनको ये निश्चय है कि बाप अपने आप बताते हैं सब कुछ, हम क्या पूछेंगे। जब हम ज्ञान में नहीं थे तो हम कुछ जानते थे क्या, जानते थे कुछ भी नहीं जानते। और बाबा में जो लाल पत्थर से बनाया गया लिंग और वो है शंकर, उसके अंदर जो नीला बिठाया गया और नीला का शिव की यादगार है, वो फिर शिव बाप कहते हैं मैं तो गिनती में नहीं आता हूँ, मैं गिनती में नहीं आता हूँ,
बुढ़िया का लिंग मिला है। तो फिर वो लिंग क्या दिखाई देना है, वो प्रवेश करता है तब वो हीरा बनता है, वो स्थूल हीरा है, वो सूक्ष्म है। हीरा या हीरो पार्टधारी रंगमंच पर पार्ट बजाता है, वो हीरो पार्टधारी बनता ही तब है जब उसमें प्रवेश करता है, नहीं तो पहले हीरो पार्टधारी था क्या? नहीं था। तो सबसे लास्ट में खड़ा है झाड़ में। कोई कोई ऐसे होते हैं जो सभी धर्मों में कन्वर्ट होते रहते, कोई खास धर्म से जुड़े हुए नहीं होते, जैसे आई समाधि है वो एक धर्म से कनेक्टेड होते हैं क्या? होते हैं नहीं? ऐसे ही आर्य समाजियों में से निकले हुए नास्तिक हैं, आखिरी जन्म में टोटल नास्तिक बन जाते हैं, क्रिश्चियंस भी नास्तिक बन जाते हैं। तो कोई एक धर्म के हैं क्या? धर्म में चलते चलते, धर्म को फॉलो करते करते उनकी धर्म की श्रद्धा ही उठ जाती है। तो कोई जरूरी नहीं है कि एक धर्म से ही पक्के होना चाहिए। और ये मतलब नहीं है, जो विनाशकारी होते हैं वो धर्मावलंबी पक्के होते हैं कि अधर्मी होते हैं? क्या होंगे फिर वो? तो अधर्मी हो तो धर्म के ऊपर उनकी आस्था खत्म हो जाती है, तब तो विनाश का काम करते हैं, राजा ही नहीं पाते हैं। पाते भी हैं तो त्रेता के अंत की राजा ही मिल जाती है, सत्युग के अंत की भी नहीं। त्रेता में जो आखिरी तीन चार गद्दियां कटी हुई हैं, आखिरी जन्मों की खंडित गद्दियां हैं, खंडन का काम किया है तो खंडित राजा ही मिल जाती है, सत्युग की वो भी नहीं मिलती। और बाबा त्रेता ही क्या किए, पहले ही आ जाता है इसी से कोई नाम कोई यादगार नहीं रहती, क्योंकि दूसरा ही समय में त्रेता की अंत में क्या हुआ? त्रेता के अंत में होना क्या है? त्रेता का अंत जब होता है 88, 89, 90 में, तब कुछ होता है क्या? कुछ भी तो नहीं होता उस समय। पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया तो प्रलय तो दिखाई दी, कुछ रहा उस समय? कुछ भी नहीं रहा। और ये कोई जरूरी थोड़ा ही है कि जो भी आग में आते हैं वो अंत तक स्थायी रहेंगे, नहीं वो रह भी सकते हैं, क्योंकि जो आज में आते हैं, जो पहले पहले पहचानते हैं, वो विदेशी होते हैं या स्वदेशी होते हैं? क्या होते हैं? विदेशी होते हैं। संक्षेत्र में भी जिन्होंने पहचाना वो विदेशी थे या स्वदेशी थे? विदेशी थे। तो जवाब आता है कि आदि वाले अंत तक रहेंगे या नहीं रहेंगे? विदेशी होते हैं उनको फॉरिनर कहा जाता है, फॉरिनर फॉरन करने वाले होते हैं, जल्दी का काम शैतान का होता है, बिना सोचे समझे धड़ाक से कदम उठाए लेना और फिर उसको पालन न कर पाना, उससे फिर धोखा हो जाता है। बाबा अभी जो भविष्य लेना उसने कहा है, तुम आज में इंसानियत के ऊपर की जीत पा लो है, आज में इंसानियत के ऊपर की जीत पा लो, देवता बन जाए।
और तो गंगा क्या है? शुरू शुरू में जानी गंगा ने सबसे पहले ज्ञान लिया कन्याओं के बीच में, और किसी कन्या ने उतनी गहराई तक नहीं समझा। उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ? बाद में बिछड़ गई, दूर हो गई या नजदीक रही? दूर हो गई। और गोथरी में कोई मिठास होता है क्या? गोथरी में तो मिठास नहीं होता। मिठास काय में होता है? गुड़ में मिठास होता है, लेकिन गुड़ गोथरी के साथ चिपक जाता है तो गोथरी में भी मिठास आ जाता है। भक्ति मार्ग में देवियों ने अपने बाल छोड़े हुए, खुले हुए छोड़े हैं, है ज्ञान की जटाएं है ना। ज्ञान की जटाओं को बांध के रखना है कि सबको सुनाना है? है तो खोल के रखना है।